और इसी बीच बड़ी खबर आपको श्रीनगर से बता दें, जहां पर पहला मल्टीप्लेक्स खुल गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा का उद्घाटन किया। मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन और करीब 520 लोगों के बैठने की क्षमता है। लेकिन देखिए, 32 साल बाद, बहुत होते हैं 32 साल, और 32 साल बाद कश्मीर में सिनेमा की शुरुआत हो रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त मल्टीप्लेक्स का शुभारंभ किया गया। तो श्रीनगर में जिंदगी किस तरीके से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है, ये कोशिश है वहां के राज्यपाल की। लगातार आपको याद भी होगा कि इससे पहले मनोज सिन्हा लगातार ये कहते रहे हैं कि आम लोगों की तरह ही हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी हर उस चीज का फायदा उठा सके जो जनता के लिए जरूरी है। और कश्मीर में 32 साल बाद मल्टीप्लेक्स खुला है। LG मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। 32 साल बाद इस सिनेमा की शुरुआत हुई है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मित्र भी है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि एक अस्पष्ट नीति कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत, किसी बेगुनाह आदमी के साथ कोई जाति न हो, इसकी कोशिश पूरी तरह से की गई है। और अगर कहीं भी लेस मात्र संदेह हुआ है तो कार्रवाई की गई। मैं फिर से एक बार आप सबको इस नई सौगात की बधाई देता हूं। नई फिल्म पॉलिसी जो बनी है जम्मू कश्मीर की, पिछले दिनों में काफी फिल्में यहां शूट हो रही हैं।